vertical laser layer on the polar cover. That is the part of horizontal marble. Lean on your right leg. Jacket ले लो उनका. Expression hard. More stronger though.
them. Lovely, nice. This side, yeah. Lovely. This will be very cool color, blue is me jayega. Thoda warm add kar lunga. But being a blue shirt and all, it's a warm light acha lagega. Even these. Sab tonal pe jayenge, sab yeh. Them.
handles. ये वाला थोड़ा सा अगर एंगुलर जैसे कि हाँ करते ना ठीक है दोनों भी पैर पास में लेना कंपनी से हाथ नीचे दोनों Relax on the seat there, पीछे Okay, yeah, that's good. हाँ मेरी देख सेम वे फ्रंट प्ले वेरी नाइस थोड़ा और इस तरफ टर्न ब्रिलियंट ब्रिलियंट कुछ खास नहीं है पर्पस बस यही है कि डेढ़ दो साल हो गए हैं कोई नया फ़ोटोशूट हुआ नहीं है और मेरी टीम मेरे पीछे पड़ी हुई थी बहुत टाइम से 3-4 महीने से कि कुछ नया फ़ोटोशूट कर लेते हैं और मैं बहुत आलसी इंसान हूँ तो मैंने किया नहीं तो फाइनली उन्होंने धक्का मार के मुझे बोला कि नहीं अब तो करना ही पड़ेगा और कुछ 2-3 महीने से वी आर प्लानिंग हम लोग कोशिश कर रहे थे प्लान करने की बट क्योंकि हालात ऐसे थे कि कुछ प्लान हो नहीं पा रहा था तो चीज़ें नहीं थी लोकेशंस नहीं थे लॉकडाउन था फाइनली जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी खुली हैं तो कैसे से करके हमने ये प्लान किया और आइडिया बस यही है कि कुछ नए अच्छे फोटोग्राफ्स आ जाएं और कुछ फ्रेश लुक्स के साथ में बस डिफरेंट डिफरेंट लुक में तो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं आप तो अगर आप बता सके कि आप फोटोशूट के दौरान आपका फेवरेट पोज क्या होता है अगर आप मैं पोज करना ही पसंद नहीं करता मेरा ब्रीफ ही है कि मुझे पोज नहीं करना जितना कैंडिड जितना रिलैक्स्ड और जितना रेगुलर हो सके जितना ईजी हो सके जैसे आप और हम खड़े होते हैं बात करते हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि उसमें आई थिंक ज़्यादा रिलेटेबिलिटी लगती है और मैं ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ उसमें बजाय इसके कि हम कुछ पोज कर रहे हैं और कुछ सजा सवार सवार के काम कर रहे हैं और एक डिफरेंट अंदाज में भी आप फोटोशूट में दिखाई दिए लाइक जी पाना हाँ पाना हाँ तो ऐसा माने कि कुछ आने वाला आपका वो लुक है कुछ आपका अंदाज है कोई फिल्मों का नहीं 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 उस वो कोई किसी से रिलेटेड नहीं है वो आई थिंक बस मेरे जो फोटोग्राफर दोस्त हैं आशीष उनको कुछ अच्छा लगा और उनके क्योंकि वो जानते हैं मुझे और उन्हें पता है कि जितना रिलैक्स्ड हूँ मैं अंदर से दैन देर इज अ सर्टन काइंड ऑफ इंटेंसिटी जो हम कैरी करना चाहते हैं और वो इंटेंसिटी को निकालने के लिए शायद उन्होंने किया तो
एंड यहाँ डिफरेंट लुक एंड हल्की सी बियर्ड में भी आप दिखाई दे रहे हैं, तो ये किसी फिल्मों का लुक है या फिर किसी अपकमिंग? कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, मतलब ये शूट पर्टिकुलरली किसी प्रोजेक्ट को रिलेटेड नहीं है, बट हाँ पास में जो किया है उसमें इसी तरह के कुछ लुक्स हैं, और इस बार लुक्स के मैं हर बार लुक्स के साथ में बहुत एक्सपेरिमेंट वैसे भी करता हूँ, और जिस तरह का किरदार होता है उस हिसाब से करने की कोशिश करता हूँ, तो हाँ है कुछ कुछ उससे मेल खाता है। तो कुछ एक दो फिल्में आपकी आने वाली हैं? जी 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 क्या कुछ है जी अंदाज में, क्या जॉनर होगा? दो फिल्में हैं जो शूट हो गई हैं, कुछ शूट होने वाली हैं, कुछ सीरीज़ें शूट होने वाली हैं, जो हो चुकी हैं उसमें एक थ्रिलर है हश, और उसके अंदर थोड़ा ग्रे शेड और थोड़ा अलग तरह का है बहुत ही, और मैंने तो वैसा नहीं किया पहले कभी, और एक बहुत ही फास्ट पेस्ड वुमेन ओरिएंटेड थ्रिलर है, उसका जो ट्विस्ट है शायद वो मैं हूँ कह सकता हूँ, और हिंदुत्व जो है वो एक बड़े बजट की बड़े स्केल पे शूट की हुई कमर्शियल फिल्म है, जो कि हमारी आज की यूथ पॉलिटिक्स को केटर करती है, और उसके अंदर में मैं एक स्टूडेंट लीडर बना हूँ और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, और जो कैसे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है और कैसे उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, वो फिल्म की कहानी है। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस विद हिंदुत्व एंड जो और एक थ्रिलर लुक है शूटिंग का? क्योंकि हम पैंडेमिक में शूट कर रहे थे, हर्ष हमने लास्ट ईयर जब खुला था थोड़ा सा तब शूट की, और हिंदुत्व हमने इस साल जब थोड़ा बहुत खुला तब शूट की, तो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली नए तरीके से करना पड़ा शूट, और बहुत ही कॉशियस, कम यूनिट, कम लोगों के साथ, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, तो वो थोड़ा चीज़ें चेंज हो जाती हैं, या आपको समझ में नहीं आता बात किससे कर रहे हो क्योंकि सब माजरक होते हैं, तो समय लगता है थोड़ा सा एडजस्ट होने में, बट आई थिंक सब हो गया ठीक ठाक से, एंड थैंकफुली कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, थैंकफुली कोई बीमार नहीं पड़ा, एंड आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। टाइम देख रहे हैं हम थोड़ा चेंज हो चुका है, लाइक कोविड एंड पैंडेमिक से फिल्में थिएटर में रिलीज नहीं हो रही हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं जी, ढेरों सारे म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड आ चुका है, ढेर सारे म्यूजिक वीडियो आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया है एंड म्यूजिक वीडियो आ रहे हैं, तो क्या हमें आपके कुछ म्यूजिक वीडियो भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म को कैसे देखते हैं? एक्चुअली एक सवाल मैंने दो सवाल पूछे। म्यूज़िक वीडियो तो फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि मैं कर रहा हूँ या करूँगा, क्योंकि जिस तरह से बन रहे हैं और हर कोई बना रहा है, अगर उसमें कुछ अच्छी कहानी हो उसके अंदर कहने की, या कुछ अलग तरीके से बनाएगा तो ज़रूर करूँगा, वरना रेगुलर आप डांस कर रहे हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और कुछ लड़कियाँ आस पास नाच रही हैं, वो शायद मैं नहीं करूँगा कभी, और OTT प्लेटफॉर्म्स की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, सो आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म्स इज़ द नेक्स्ट थिंग, एंड वो आ गया है यहाँ पर, आ चुका है, बहुत अच्छे से आ चुका है, लेकिन जो फिल्में अभी फ़िलहाल रिलीज़ हो रही हैं OTT पर, हम ऐसा सोचते हैं कि OTT उस नज़रिए से आ गया, तो वैसा कुछ नहीं है, आई थिंक जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब सिनेमा खुलते हैं, क्योंकि वो जो क्योंकि हमारे यहाँ ना सिनेमा सिर्फ फिल्म देखने का ज़रिया नहीं है, सिनेमा हमारे यहाँ इवेंट होता है, एक त्यौहार होता है, और वो एक्सपीरियंस जो है वो आप घर में नहीं ले सकते, भले ही आप कुछ भी कर लें, मोबाइल स्क्रीन पर नहीं ले सकते, तो सिनेमा तो हमेशा से रहेगा, और OTT की अपनी जगह है, TV की अपनी जगह है, सभी अपनी अपनी जगह पर चलते रहेंगे, बट हाँ जहाँ तक कंटेंट की बात है हमको थोड़ा अब ठीक होना पड़ेगा, जहाँ पर टेलीविज़न और सिनेमा दोनों की बात है, क्योंकि OTT की वजह से एक्सपोजर ऑडियंस को बहुत ज़्यादा मिल गया है कॉन्टेंट को, और आई थिंक वो एक जो पॉइंट है वो बहुत ही वाजिब है कि हमें हमारे कॉन्टेंट को लेकर अभी सजग होना पड़ेगा और बेहतर होना पड़ेगा। जाते आते अपने फैंस को अपने ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे, आपके भी जो दो प्रोजेक्ट आ रहे हैं? मैं बस यही कहूँगा कि आप लोगों ने हमेशा इतना ढेर सारा प्यार दिया, आगे भी दीजिए, और उम्मीद करूँगा कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं मुझसे उन पर खरा उतरू, और आपको कोई भी किसी भी तरह का डिसअपॉइंटमेंट ना हो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।